हरियाणा के 58 साल के सियासी इतिहास में राव इंद्रजीत इकलौते ऐसे सांसद हैं जो लगातार 4 केंद्रीय सरकारों में मंत्री हैं। राव इंद्रजीत का रसूख जहां अहिरवाल में सबसे बड़ा है, वहीं प्रदेश में भी उनकी गिनती कद्दावर नेताओं में होती है। वो एक बार फिर से गुरुग्राम सीट पर जीत के लिए दंगल में उतर चुके हैं और बीजेपी उम्मीद करती है कि वो लगातार 5वीं बार केंद्र की सरकार में मंत्री बनेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि राव इंद्रजीत ने ऐसा क्या किया है जिसके चलते वो पिछली 4 सरकारों में मंत्री हैं और उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही। जब हमने राव इंद्रजीत की पिछले 20 साल की परफॉर्मेंस को खंगालने का काम किया, गहराई में जाकर उसका अवलोकन करने का काम किया, तो बिल्कुल चौंकाने वाले परिणाम सामने आए। सबसे बड़ी बात यही है कि जिस राव इंद्रजीत को हम सुपर पावर मानते हैं, जिसको हम सुपरस्टार मानते हैं, असल में वो फिसड्डी हैं। जी हाँ, राव इंद्रजीत की पॉलिटिक्स को अगर जानेंगे, राव इंद्रजीत के अगर पिछले 20 साल के आंकड़ों को देखेंगे और 10 साल की बीजेपी सरकार में उनके फैसलों को, उनके प्रोजेक्टों को, उनके कार्यकलापों को देखेंगे, तो जाहिर हो जाएगा कि किसी भी पैमाने पर, किसी भी कसौटी पर राव इंद्रजीत खरे नहीं उतरे हैं। हम बताते हैं आपको कि गुरुग्राम में ऐसी कौन कौन से प्रोजेक्ट थे जिनको लेकर राव इंद्रजीत पूरी तरह से फ्लॉप रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा था एयरफोर्स स्टेशन का। एयरफोर्स स्टेशन के आसपास के 90 मीटर के अंदर लगभग 3 लाख लोग रहते हैं। डिफेंस पॉलिसी के कारण इन कॉलोनियों को अवैध घोषित किया गया है, जिसके चलते इन कॉलोनियों में ना तो पक्की सड़कें हैं, ना ही अच्छे पार्क हैं और इन कॉलोनियों के अंदर रहने वाले लोग लगातार गुहार लगाने के बावजूद इस पाबंदी से छुटकारा नहीं पा सके हैं। उनकी मांग है कि इस 900 मीटर की कंडीशन को घटाकर 100 मीटर किया जाए ताकि उनके इलाके में विकास कार्य हो सकें, ताकि वो एक खुशहाल ज़िंदगी दे सकें। लेकिन राव इंद्रजीत के पास डिफेंस मिनिस्टर का पद होने के बावजूद वो गुरुग्राम के 3 लाख लोगों की ज़िंदगी को बदल नहीं पाए, जिसके चलते वो आज भी बिल्कुल खराब कंडीशन में जीने को मोहताज हैं, बेबस हैं। यानी राव इंद्रजीत 3 लाख लोगों की कसौटी पर खरा उतरने में पूरी तरह से फेल रहे। इसके बाद बारी आती है खिड़कीदोला टोल प्लाजा की। खिड़कीदोला टोल प्लाजा ऐसा है जो पूरे गुरुग्राम की लाइफलाइन कही जाएगी, क्योंकि यहाँ से रोजाना हजारों व्हीकल गुजरते हैं और गुरुग्राम के लाखों लोगों को इस टोल प्लाजा के कारण परेशानी होती है, उन्हें जाम में फंसना पड़ता है और बेवजह की उन्हें आर्थिक तौर के ऊपर हानि भी होती है। गुरुग्राम के लोग लगातार फरियाद लगा रहे हैं कई साल से राव इंद्रजीत के पास कि उन्हें इस परेशानी से मुक्ति दी जाए और इसे KMP के पास शिफ्ट किया जाए। लेकिन राव इंद्रजीत गुरुग्राम के लोगों की इस सबसे बड़ी परेशानी से छुटकारा दिलाने में नाकाम रहे हैं। खिड़कीदोला टोल प्लाजा अगर हट जाता है तो गुरुग्राम के लाखों लोगों को मानसिक तौर पर राहत मिलेगी और आवाजाही में बहुत ज़्यादा सुगमता आएगी। लेकिन राव इंद्रजीत इस सबसे बड़ी समस्या को हल करवाने में भी पूरी तरह से फेल रहे हैं। तीसरा मुद्दा है मेट्रो का। आप सभी जानते हैं कि पिछले 10 साल के दौरान गुरुग्राम में मेट्रो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी है। गुरुग्राम की तुलना अगर हम नोएडा और ग्रेटर नोएडा से करें तो साफ तौर पर जाहिर हो जाता है कि जहां नोएडा से ग्रेटर नोएडा के बीच में 20 किलोमीटर की दूरी को उत्तर प्रदेश की सरकार ने पाटने का काम कर दिया है और वहां पर मेट्रो का जाल बिछ गया है। जबकि गुरुग्राम से मानेसर भी 20 किलोमीटर दूर है, लेकिन राव इंद्रजीत केंद्र सरकार में मंत्री होने के बावजूद, मोदी के मित्र होने के बावजूद, गुरुग्राम में मेट्रो को 1 इंच भी आगे नहीं बढ़वा पाए। अगर गुरुग्राम में भी मेट्रो बढ़ जाती, अगर गुरुग्राम से मानेसर तक मेट्रो चली जाती, तो आप सोचिए गुरुग्राम का कितना विकास होता, गुरुग्राम में कितनी इंडस्ट्री आती, गुरुग्राम में कितने बिजनेस सेंटर खुलते। यानी एक नया गुरुग्राम और बन जाता और लाखों लोगों को अपनी सहूलियत के चलते जीने में आसानी होती। लेकिन राव इंद्रजीत की न तो दिलचस्पी रही और न ही उनकी कोई प्लानिंग रही कि वो किस तरह से गुरुग्राम में मेट्रो को आगे बढ़ाने का काम करें। अब जाते जाते प्लानिंग को फाइलों पर फाइनल कर दिया गया है, लेकिन ज़मीन पर अभी तक मेट्रो के लिए कोई भी 1 इंच का काम नहीं हुआ है। यानी तीसरी कसौटी पर भी राव इंद्रजीत पूरी तरह से फेल रहे। अब बात करते हैं चौथे नंबर कसौटी की। राव इंद्रजीत के बारे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि उनके लिए एम्स का मसला सबसे बड़ा था। एम्स के मसले पर लगातार विरोधी राव इंद्रजीत को घेरते रहे, लेकिन राव इंद्रजीत इस सबसे खास प्रोजेक्ट में भी पूरी तरह से फेल रहे।
किसी तरह से हाथ जोड़ने के बाद वो मोदी से इसका शिलान्यास कराने में सफल तो हो गए हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि 10 साल के दौरान एम्स का पूरा निर्माण हो जाना चाहिए था, वहाँ हॉस्पिटल में ओपीडी शुरू हो जानी चाहिए थी और लाखों लोगों को इस एम्स सेंटर की सुविधा भी मिलनी चाहिए थी, लेकिन राव इंद्रजीत एम्स को लेकर पूरी तरह से फेल रहे और लोगों के सामने अपनी बेइज्जती से बचने के लिए ही वो किसी तरह से इसका शिलान्यास कराने में सफल रहे हैं, यानी राव इंद्रजीत चौथी कसौटी पर भी पूरी तरह से फेल रहे हैं। अब बात करते हैं राव इंद्रजीत की कार्यकुशलता की, राव इंद्रजीत की काबिलियत की। राव इंद्रजीत पिछले 20 साल से केंद्र सरकार में मंत्री हैं, लेकिन आप में से शायद किसी ने भी उन्हें संसद में कभी बोलते हुए नहीं देखा होगा। विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए जहां बीजेपी ने बहुत सारे चेहरों को आगे किया, लेकिन एक बार भी आपको राव इंद्रजीत धाड़ते हुए नज़र नहीं आएंगे होंगे। राव इंद्रजीत को अहिरवाल का शेर कहा जाता है, लेकिन असलियत यह है कि संसद के अंदर राव इंद्रजीत गूंगे बने रहते हैं, वो बिल्ली की तरह दुबकर बैठे रहते हैं। राव इंद्रजीत 20 साल से केंद्र सरकार में मंत्री हैं, लेकिन उनके नॉन परफॉर्मेंस के चलते ही उन्हें अभी तक कैबिनेट मंत्री की तरक्की नहीं दी गई है। मोदी के मित्र होने के नाते ही वो सिर्फ राज्य मंत्री बने हुए हैं। अगर वो और कोई सांसद होते और कोई मंत्री होते तो निश्चित तौर पर उनका पत्ता कट गया होगा। अहिरवाल की सीटों की मजबूरी के चलते उन्हें केंद्र में मंत्री तो रखा गया है, लेकिन उन्हें ना तो कैबिनेट मंत्री बनाया गया और न ही पावरफुल डिपार्टमेंट दिए गए। यानी इंद्रजीत बेशक से बड़े नेता होने का दम भरते हों, बेशक उनके समर्थक उनके सबसे कद्दावर नेता होने का दावा करते हों, लेकिन ये सच्चाई है कि परफॉर्मेंस की कसौटी पर राव इंद्रजीत सिंह खिलाड़ी नहीं बल्कि फिसड्डी हैं। वो अव्वल नहीं बल्कि सबसे पीछे हैं और यही वजह है कि वो अहिरवाल के कद्दावर नेता के तौर पर तो पॉलिटिकल तौर पर तो वो स्थापित दिखते हैं, लेकिन एक कैबिनेट मंत्री के तौर पर वो परफॉर्मेंस में पूरी तरह से फेल नज़र आते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी राव इंद्रजीत अभी भी गुरुग्राम सीट पर अगर सबसे बड़े नेता माने जाते हैं तो इसके बारे में क्या कह सकते हैं। इसकी वजह साफ है कि कांग्रेस के पास राव इंद्रजीत की काट का कोई नेता नहीं है, राव इंद्रजीत के बराबर जनाधार वाला कोई नेता नहीं है। कांग्रेस ने किसी ऐसे नेता को आगे नहीं बढ़ाया जो उन्हें बराबर की टक्कर दे सकता हो। यही वजह है कि राव इंद्रजीत पांचवीं बार भी कांग्रेस के मुकाबले आज की तारीख में जीत के दावेदार हैं। राव इंद्रजीत की 2024 के बाद की सियासत को समझने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। राव इंद्रजीत के अगले कामयाबी के सफर को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। राव इंद्रजीत को चुनौती देने वाले नेता की जानकारी हासिल करने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।